हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। अभी हो रहे हैं सुबह के 7। उठ गया मैं क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जून 2 को और जून 3 को भी है, पैथोलॉजी का और इंटरनल मेडिसिन का है। तो इसीलिए अभी छुट्टियां तो गए, अभी पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए अभी उठ गया। तो अभी वही पढ़ने जा रहा हूँ, इंटरनल मेडिसिन। फिर उसके बाद करूँगा वीडियो एडिट, फिर करूँगा अपलोड। यार उठते ही पहले क्लास करो, 6 साढ़े 6 बजे से। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे फिलीपींस के टाइम के हिसाब से हमारे क्लासेस होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जैसे 8 साढ़े 8 बजे क्लास होता है उनका, तो उन टीचर्स को लगता है तो चलो 8 साढ़े 8 बजे हो रहा है, पर हमारा तो उनका 8, हमारा 5:30 6 ऐसे। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है यार ऑनलाइन क्लास का। 5:30 6 बजे उठो, एक तरह से अच्छा है, बट फिर भी यार इतना जल्दी तो कोई नहीं, अभी चल रहा है, चलने दो। Okay, this direct bus with Delhi to Dehradun. There are adverse reactions like palpitations, edema, fatigue. सो आफ्टर आई वॉज डन विथ माई ऑनलाइन क्लासेस, आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम 9 AM एंड इट वॉज पैथोलॉजी आई वॉज स्टार्टेड स्टडिंग। आई रिवाइज जेनेटिक्स फॉर सम टाइम एंड देन इन दैट मार्फन सिंड्रोम एंड ऑल अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स विच कैरी अ लॉट ऑफ वेटेज फॉर क्वेश्चंस। एंड देन आई जम्प्ड इन टू इम्यूनिटी, इन विच आई स्टार्टेड विथ इनेट इम्यूनिटी एंड देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लाइक ऑल द बेसिक्स। एंड इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी आई वेंट थ्रू इट्स कंपोनेंट्स दैट आर टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, एंड देन टू अदर सब टॉपिक्स लाइक सेल रिसेप्टर्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, एंड देन टू हेल्पर टी सेल्स एंड ऑल्सो टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड इट्स टाइप्स ऑफ हेल्पर टी सेल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, TH1, TH2 एंड TH17। एंड आफ्टर आई वॉज डन विद द चैप्टर इम्यूनिटी, लाइक आई वॉज रिवाइजिंग एंड देन आई हैड नॉट रीड अबाउट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। सो देन आई वेंट थ्रू द चैप्टर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, बेसिकली आई वॉज गोइंग थ्रू मैरो वीडियो लेक्चर्स एंड मेकिंग नोट्स। सो आई वेंट फॉर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस एंड इन दैट आई वॉज रीडिंग फर्स्ट Type 1 रिएक्शंस, दैट इज एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्रोंकियल आस्थमा, हे फीवर, एटॉपिक डर्माटाइटिस, एलर्जिक रिनिटिस, फूड एलर्जी, पॉलन एलर्जी, देर लॉट ऑफ Type 1 रिएक्शंस। सो आफ्टर रीडिंग दैट आई वेंट थ्रू द पैथोजेनेसिस ऑफ दैट, इन विच द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ IG एंटीबॉडीज, देन अगेन IG एंटीबॉडी एंड मास सेल द मिक्स एंड द सिग्नल इज गिवन फॉर डी ग्रैनुलाइजेशन, इन विच द PGS प्लस लिकोट्राइनीज इज फॉर्म्ड, एंड देन द स्टेन दैट आई रेड फॉर मास सेल दैट वॉज टॉल्विड इन ब्लू। एंड आफ्टर दैट आई वेंट एंड रेड द मीडिएटर्स ऑफ मास सेल, ओके, दैट इज एंटीजन प्लस IG रिसेप्टर्स विच आर यूज फॉर सिग्नल्स ऑफ डी ग्रेन्युलेशन एंड सिग्नल्स फॉर एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। एंड आफ्टर आई वॉज डन दिस मच, आई वॉज लाइक आई हैड ऑलरेडी रेड फॉर 3 आवर्स एंड आई वॉज गेटिंग अ बिट टायर्ड एंड बोर्ड, सो दैट वॉज द रीजन आई एंड आई हैड टू एडिट अ वीडियो। सो आई थॉट टू एडिट द वीडियो, इट वॉज ऑलरेडी 12 एंड आई हैड टू एडिट द वीडियो एंड अपलोड। सो देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस आई हैड ऑल्सो मेड नोट्स एंड आई स्टार्टेड विथ एडिटिंग माई वीडियो। सो इट वेंट ऑन फॉर अराउंड 1 hour to 1 hour 30 minutes एंड आई थिंक इट वॉज 1:30 आई वॉज डन विद द एडिटिंग एंड देन आईड एक्सपोर्टेड द फाइल एंड जस्ट इट वॉज टू अपलोड एंड देन इट वॉज ऑलरेडी 1:30। सो आई टुक माई बाथ, आई वेंट फॉर लंच एंड देन आई स्लेप्ट फॉर 2 hours बिकॉज स्लीपिंग इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज ब्रेक। बिना ब्रेक के ना प्रोडक्टिविटी इतना नीचे गिरता है, क्या ही बताऊँ। मैं भी अभी बैठ के पढ़ाई कर रहा था, घिस रहा था, पीट रहा था, याद ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए ब्रेक तो लेना चाहिए। तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ ब्रेक लेने ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। तो अभी तो लॉकडाउन है, बट थोड़ा बहुत बाहर जा ही रहा हूँ, देखता है। तो आज बेसिकली मैरो के वीडियो लेक्चर से पढ़ रहा था। आगे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इंटरनल मेडिसिन, हर सब्जेक्ट का ही, पैथोलॉजी, माइक्रो, तो वही मैरो के लेक्चर से पढ़ रहा था। बुक से बहुत ज़्यादा है और अच्छे से समझता भी नहीं है, तो इसलिए मैरो से पढ़ रहा हूँ और नोट्स बना रहा हूँ ताकि आगे भी काम आए, फ्यूचर में।
बट द थिंग इज़ मेरो में अच्छे से समझ में आ जाता है एटलीस्ट, मतलब ये होता है कि हाँ ये समझ में आ गया वैसा, तो इसलिए मेरे को मैरो से ही पढ़ रहा हूँ। फिर अभी जाके माइक्रोबायोलॉजी पढ़ूँगा, 2 घंटे का वो पोमोडोरो करूँगा सोच रहा हूँ, वो फॉरेस्ट का ऐप है वो यूज़ करूँगा, यूज़ नहीं किया बहुत टाइम से। एट फर्स्ट आई थॉट आई विल बी रीडिंग माइक्रोबायोलॉजी फॉर 2 hours or 3 hours, बट देन आफ्टर कमिंग आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक रीडिंग और गोइंग थ्रू द लेक्चर, सो आई थॉट इट्स बेटर आई हैड रेड इंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सो आई थॉट इट्स बेटर आई कैन डू सम क्वेश्चन MCQs लाइक द क्लिनिकल केसेस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन मैरो, सो आई थॉट टू गो थ्रू दैट। लाइक आई हैड सेट अ टाइमर फॉर माई सेल्फ टू डू 30 questions इन 10 minutes एंड ऑल वेयर क्लिनिकल बेस्ड, सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई एंड गिव इट अ ट्राई, बट द थिंग वॉज द क्वेश्चन आर वेरी लेंदी एंड यू नीड टू गो थ्रू द केसेस एंड ऑल, सो एंड आई हैड रेड दिस अराउंड 8 to 10 days बैक, आई हैड गॉन थ्रू द मैरो लेक्चर्स, आई हैड ऑल्सो मेड प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस, बट आई हैड नॉट रिवाइज इट प्रॉपरली, सो द थिंग वॉज आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट स्टिल आई गेव द like 30 questions and I completed in 12 to 13 minutes, but the thing was I scored only 17 out of 30, so but still it's like pretty good because the things I was able to recall was enough for me, like I had just went to the lectures and I had even not revised the notes, so keeping this in mind it was a good number, I think 17 out of 30, and after that again I went through other questions of pathology and then subtopics that I had read of immunity, genetics, I did a lot of questions around 150 to 200 MCQs, actually I was getting bored to read so I did this, and after this it was around 8:30, so I again read for 2 hours before going to for dinner and then sleep, so it was a very productive day in my life. So if you like the video, do comment, like and subscribe to the channel and do join me and subscribe for more such content.